गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने होमवर्क दिया था, कल मैं करवाई थी आपको सर, आज मैं एक वाटर क्लीनर लेकर आई आपके लिए। तो आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेंसिल इरेजर शॉर्पनर और स्केल लेकर। तो आज मैं आप सबको वाटर क्लीनर ड्रॉ करके वाटर क्लीनर एंड ऑरेंज, ओके, ये मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा ड्रॉ किया है। आप भी जल्दी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, हल्के से ड्रॉ करेंगे, पहले डॉट डॉट उसके बाद डार्क। तो मैं इसको डार्क करके आपको बताऊंगी, मेरे साथ आप सब रेडी हो जाइए। तो सब लोग रेडी हो गए हैं, तो इसमें आपको कलर यूज पेंसिल करना है, ठीक है, कलर पेंसिल यूज करना है, ओके। कौन सा कलर? पेंसिल कलर यूज करना है, ओके। तो सब रेडी है, तो चलिए अभी आप इस जो बैकग्राउंड मैंने ड्रॉ किया है इसे आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, ओके। तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ड्रॉ किया था, अब मैं इसको डार्क कर देंगे। मेरे साथ आप लोग भी ड्रॉ करिए। ये सीधा स्केल से आपको ड्रॉ करना है, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, ओके। ये आपका पूरा बॉक्स रेडी है, आपको भी ऐसे ही बॉक्स ड्रॉ करना है। अब ये वाटर कलर दिखाई दे रहा है, तो पहले आपको ऐसे डॉट डॉट करना है, ये नहीं कि पहले ही डार्क बनाना है, पहले आप डॉट डॉट ऐसे से करेंगे, उसके बाद इसको डार्क करेंगे, ये इस तरीके से, ओके। फिर यहां से ऐसे बनाइए, फिर धीरे धीरे आपको इस लाइन को लाके इसमें मिलाना है, ओके। फिर यहां से ये यहां लाकर इसमें मिला देते हैं, ये ऐसे, फिर ये इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, वाटरमेलन तो सब लोग खा रहे होंगे घर पे, तो वाटरमेलन खाना भी बहुत अच्छा है। ये है ऑरेंज, ऑरेंज का जूस पीते होंगे आप सब, ये हमारा ऑरेंज है, ओके। और ये है इसके बीच, जिसे हमें डार्क कर देना है, ओके। ये हमारा रेडी है वाटर मेलन एंड ऑरेंज। तो आप सब लोगों ने अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया होगा, अब हमें इसे कलर करना है। कलर किससे करेंगे? पेंसिल कलर से, ओके। तो मेरे पास चौक कलर है, तो हम चौक कलर से कलर करके आपको बताएंगे। ये है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को यहां से कलर करेंगे। इसको आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे से नहीं करना है, ना ही सिर्फ कलर करना है, ऐसे इस तरीके से आप इसके करके इसको लाइन खींच खींच कर आपको ऐसे कलर करना है। पतली पतली लाइनें होनी चाहिए इस तरीके से, ओके। फिर इसको बैक साइड से भी आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, आपको ऐसे कलर करना है ताकि आपका ये नीचे का जो फर्श है वो दिखाई न दे, बैकग्राउंड नीचे का दिखाई नहीं देना चाहिए। ये पूरा आपको स्केल से करना है, ओके। ये मैंने कलर कर दिया, अब आपको लेना है रेड कलर। मेरे पास चौक कलर है, आपको लेना है पेंसिल कलर। इसमें भी आपको लाइन से ही ऐसे लाइन खींचना है, स्केल से पूरा सीधी लाइन होनी चाहिए, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूं, आप स्लो करिएगा। एक ही साइड से आपको पूरा लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर जो बीच है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, तो बाद में हम लोग फिर से काम कर लेंगे। ये आपको ऐसे इतना लाइन ड्रॉ करना है कि नीचे का आपको
ब्लैक नहीं है इसलिए ये स्केच कलर यूज कर लीजिएगा। इसका बीज ड्रॉ कर लीजिए। मेरे पास ब्लैक कलर है तो है इसलिए मैं ये यूज की हूँ। अब आपको इसमें व्हाइट कलर यूज करना है, ठीक है। व्हाइट कलर आपको भी वैसे ही यूज करना है जैसे मैंने इधर बताया था, पूरा लाइन से ही ये पूरा हो चुका है। अब हमें कलर करना है ऑरेंज को। ऑरेंज किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर से। तो ये पूरा हमें ऑरेंज कलर को इसी तरह से आपको स्केल रख के ही करना है, ऐसे सीधा हो गया। अब हमें इसे बैक साइड से भी करना है इस तरीके से, ऐसे हमारा बीज है। इसको ब्लैक कलर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इसको ब्लैक कर दे रही हूँ। ये दिखाई दे रहा है? यस, ये आपका ऑरेंज। आपको ब्रश से इसको नहीं करना है, लाइन पेंसिल से इधर उधर से करना है। आपको सीधे लाइन स्ट्रेट करके स्केल से पूरा ही आपको कलर करके दिखाना है, ओके। तो इस तरीके से आपका कलर हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा पिक्चर समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको डार्क करके बता रही हूँ। ये यहां से इसको ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा ग्रीन है इसमें, फिर से मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।